अक्षय कुमार जो हैं वो सीनियर तो हैं ही रामचरण के, और ये ओहदा उन्होंने बरकरार रखा और खुद नहीं बैठे। पहले उन्होंने अक्षय कुमार को सीट ऑफर की कि सर आप बैठिए, उसके बाद उन्होंने इंतजार किया, अक्षय कुमार बैठे एंड उसके बाद वो बैठे, और इस चीज का जिक्र खुद अक्षय कुमार ने भी किया। देखिए अपन, जो पैन इंडिया एक्टर हैं वो अच्छी फिल्मों के लिए तो जाने ही जाते हैं, साथ ही साथ पूरा इंडिया उनको प्यार करता है भाई उनके नेचर के कारण, जिस तरीके से वो बात करते हैं, उनके संस्कार। और एक बार फिर रामचरण ने प्रूव कर दिया है कि भाई वो नेपोटिज्म वाले बच्चे हैं, भाई ही इज अ नेपो किड, लेकिन जब बात होती है एक्टिंग की, बात होती है मूवीज की, बात होती है संस्कारों की, तो ये बंदा सबसे आगे आगे खड़ा होता है। देखिए हिंदुस्तान टाइम्स ने एक इवेंट कराया था जहाँ पर अक्षय कुमार और रामचरण दोनों को बुलाया गया था, वीडियो शायद आपने देख ली होंगी, जहाँ पर इन दोनों ने भाई जमकर डांस किया था, जहाँ पर भाई जो अक्षय कुमार है उन्होंने डांस किया था रामचरण के गानों पर, तो वहीं पर रामचरण ने डांस किया था अक्षय कुमार के कुछ गानों पर। और भाई ऐसे ना कोलेबोरेशंस आती रहनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि लोगों को समझ आए कि भाई जिनको आप इंट्रोवर्ट मानते हो ये बस बोलने में थोड़े शाये हैं, लेकिन जब बात आ जाती है ना एक्ट की तो ये फाड़ के रख देते हैं सामने वाले की। लेकिन बेस्ट चीज़ लोगों को पता क्या लगी, जिस तरीके से रामचरण स्टेज पर आते हैं हाथ जोड़कर हर एक बंदे को नमस्ते करते हैं, दैट वॉज वेरी गुड भाई। सब लोगों ने तारीफ की कि भाई यार ऐसा बहुत कम लोग करते हैं कि स्टेज पर चढ़ने से पहले सबको नमस्ते, स्टेज पर आकर नमस्ते, बाद में एंकर से बात करना, पहले लोगों को भाई धन्यवाद करना कि आप मेरे लिए यहाँ पर आए हैं एंड उसके बाद। देखिए अक्षय कुमार जो हैं वो सीनियर तो हैं ही रामचरण के, और ये ओहदा उन्होंने बरकरार रखा और खुद नहीं बैठे। पहले उन्होंने अक्षय कुमार को सीट ऑफर की कि सर आप बैठिए, उसके बाद उन्होंने इंतज़ार किया, अक्षय कुमार बैठे एंड उसके बाद वो बैठे, और इस चीज़ का जिक्र खुद अक्षय कुमार ने भी किया कि जब तक ऐसी रूट्स के साथ हम जुड़े रहेंगे फिल्में हिट होंगी। देखिए बॉलीवुड स्ट्रगल कर रहा है, कारण ये संस्कार मिसिंग है कहीं ना कहीं। अगर इनकी जगह कोई भी बॉलीवुड का न्यू कमर होता, एक्टर होता, मेरा जूनियर होता, वो देखता भी नहीं मैं बैठा हूँ नहीं बैठा हूँ, मुझे इज्जत कहकर चाहिए भी नहीं। बट यही चीज़ें जो आपको आगे लेकर जाती हैं भाई। बातें तो अक्षय ने बहुत सही और सटीक कही हैं, जिस तरीके से भाई जानवी, वरुण, अर्जुन, टाइगर का नेचर रहता है उनसे बहुत अलग है यहाँ रामचरण, अल्लू अर्जुन, NTR। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई रूट से जुड़ने के फ़ायदे क्या क्या हैं। मिलता हूँ मुझे बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।